हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वुमेंस, जिसमें हम बात करते हैं फैशन की, ब्यूटी की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। फ्रेंड्स, हम वुमेंस के ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो होती है बच्चों के स्कूल की। आए दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट हमें स्कूल से मिलते रहते हैं बनाने के लिए और उनमें इतना टाइम लग जाता है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उसको अच्छे से अच्छा डेकोरेट करें ताकि उन प्रोजेक्ट के स्कूल में फुल मार्क्स मिलें बच्चों को, क्योंकि आजकल प्रोजेक्ट के मार्क्स रखते हैं स्कूल में। तो हम अच्छे से अच्छा डेकोरेट करने की सोचते हैं उसको, तो उसी के आइडियाज़ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। ये स्क्रैप बुक है मेरे बेटे की, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, ये मैंने डेकोरेट किया है उसके लिए। तो इसे हमने कैसे डेकोरेट किया है वो मैं आपको बताऊंगी, कैसे हमें डेकोरेट करना चाहिए। उसके लिए हमने इसको कवर करने के लिए कार्ट्रिज शीट ली है। कार्ट्रिज शीट आती है, एक मोटी होती है, वो चार्ट पेपर पतला होता है, कार्ट्रिज शीट मोटी होती है, उसको हमने इससे कवर किया है सबसे पहले। उसके बाद हमने इसकी साइड्स को सेफ़ रखने के लिए, ये टेप लगाने से साइड सेफ़ भी रहती हैं और इसमें बहुत अच्छा लगता है देखने में, एक उभर के आता है, जैसे ब्लैक कलर के ऊपर गोल्डन कलर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको गोल्डन कलर से टेप, इसके साइड्स को मैंने डेकोरेट कर दिया है। इस तरह की टेप मार्केट में मिलती हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की, तो जो कलर आपको अच्छा लगे उससे आप इसकी साइड्स को डेकोरेट कर सकते हैं। सेकेंड, इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं और इससे जो है इसके जो कॉर्नर होते हैं वो सेफ़ रहते हैं, क्योंकि बच्चे बैग में ऐसे ही इनको जब मैम देती हैं तो ऐसे ही रख लेते हैं, तो उससे इनके कॉर्नर्स ख़राब हो जाते हैं, ये टेप लगने से इसके कॉर्नर भी सेफ़ रहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए फॉर्मिंग शीट्स का यूज़ किया है, क्योंकि अगर हम ड्रॉ करते हैं कई बार अच्छा ड्रॉ नहीं होता है, तो इसलिए मैंने सिंपली इसको इस तरह से डेकोरेट किया है। उसके लिए मैंने ये फॉर्मिंग शीट्स ली हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की बाज़ार से मिल जाती हैं मार्केट से, तो आप ये लेके कोई सा भी कलर जो आपको अच्छा लगता है, मैंने इसके लिए गोल्डन और रेड कलर यूज़ किया है, उसमें आप इसको किसी भी साइज़ में काट सकते हैं। मैंने इसको इस साइज़ में काटा है, इनको इक्वल इक्वल कट करके आपको यहाँ पे इसको नीचे की साइड पेस्ट कर देना है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं, हाफ से थोड़ा कम यहाँ तक इसको पेस्ट करना है। उसके बाद हमने इसके ये जो खाली जगह हमें लग रही है इसके कॉर्नर्स को डेकोरेट करने के लिए बटरफ्लाई और फ्लावर्स इस तरह के मिल जाते हैं मार्केट में, आप इनको लाके इनको लगा सकते हैं साइड्स में, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है नाम सेक्शन और लिखने का, तो उसके लिए सिंपल अगर हम स्केच पेन से सिंपल वर्ड्स में लिख देते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं लगता, उसके लिए इस तरीके के स्केल आते हैं, इसमें डिज़ाइनिंग अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, ये स्मॉल वाला भी आता है और लॉन्ग वाला भी आता है, बिग वाला। तो इसको हमने ऐसे इस तरह से रख के इसको पहले पेंसिल से ड्रॉ किया है, नाम सेक्शन और जो बुक का लिखा है पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद, क्योंकि ये ब्लैक रंग है इसके लिए मैंने इस पर पहले सिल्वर कलर से आउटलाइन करी है, देन अंदर मैंने गोल्डन कलर से इसको फिल कर दिया है, तो ये लिखा हुआ भी इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से मैंने स्क्रैप बुक डेकोरेट करी है, ए प्लस मिला है उसको स्क्रैप बुक में। तो उसके बाद हमने हम इसका अंदर का देखते हैं। अंदर जैसे सबसे पहले मैम ने इसमें पेस्ट करने को दिया था गुड मैनर्स, तो गुड मैनर्स के लिए सबसे पहले मैंने इसके इस साइड्स पे गुड मैनर्स लिखा है, वो भी इसी स्केल को यूज़ करके लिखा है। उसके लिए स्पार्कल्स पेन आते हैं इस तरीके के, ये स्पार्कल्स पेन्स आते हैं, तो ग्रीन कलर के स्पार्कल से आउटलाइन करने के बाद अंदर स्केच पेन फिल किया है। सेकंड, यहाँ पे हमें पेस्ट करना होता है, तो ये गुड मैनर्स की जो पिक्स हैं इसको पेस्ट करा है, इसमें भी मैंने साइड्स पे टेप लगाई है ताकि इसकी जो साइड्स हैं वो सेफ़ रहें और सुंदर भी लगे। सेकंड नंबर पे सेंस ऑर्गन दे रखे हैं, ये देखिए सेंस ऑर्गन पेस्ट करे हैं। उसके बाद इधर उसके फंक्शंस लिखे हैं, ये मैंने सिंपल स्केच पेन से ही लिख दिया है, फंक्शन लिखे हैं। उसके बाद उसमें भी स्टार मिला है। उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड नंबर पे इन्होंने दिया है थिंग दैट मेक मी क्लीन, जो चीज़ें हमें क्लीन करती हैं उसके बारे में, ये चार्ट पेपर लेके कट करके लिखा है। यहाँ पे नेम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ब्लैक पे वो दिखता नहीं है। उसके बाद इधर की साइड्स हमने इसके नेम लिखे हैं, नेम लिखने के लिए ऊपर मैंने वो इसी स्केल का यूज़ करा है, आउटलाइन करने के बाद अंदर कलर से फिल किया है, नीचे सिंपल लिखने के बाद मैंने स्पार्कल्स की ट्यूब आती हैं उससे इनको आउटलाइन करके इसको लिख दिया है ताकि ये अच्छा लगे लिखने में, स्पार्कल स्पार्कल नज़र आ रही है इसमें। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मिला है
इंडोर और आउटडोर गेम्स, ये देखिए इंडोर और आउट गेम डोर गेम्स को हमने ये पेस्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो जो गेम्स के नेम हैं वो लिखे गए हैं। तो इस तरह से स्क्रैप बुक कम्प्लीट हुई है और इसका कवर पेज जैसे कि पेस्ट किया है तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये वाला आप भी ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चे की स्क्रैप बुक को डेकोरेट करने के लिए। अगर आपके लिए मेरे स्क्रैप बुक का ये आइडिया रहा हो हेल्पफुल तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।